जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बुलबुल आंटी शुक्राना सत्संग। मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे वीर जी, अपनी वीरा को ऐसे ही ब्लेस करते रहना आप। आज मैं आप सबसे अपना एक स्वप्न शेयर करूंगी। संगत जी, इस रविवार 11 जुलाई को गुरु जी का ये बर्थडे मंथ है। मैं गुरु जी को एक तारीख से ही बार बार कह रही थी कि गुरु जी, बहुत दिन हो गए आप मुझे ड्रीम में नहीं आए, एक छोटा सा मैसेज ही दे दो, आकर अपने दर्शन दे दो ना प्लीज़। क्योंकि संगत जी, ये महीना बहुत ही पावन महीना होता है और गुरु जी ने महासमाधि हो, जन्मदिन हो, हमेशा आकर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, टेलीपैथी के द्वारा, थॉट में, विज़न में, सपने में दर्शन जरूर दिए हैं। हमारे गुरुजी दुनिया का कल्याण करने आए हैं और ये महीना बहुत ही पावन महीना है। और गुरुजी ने शिव पुराण की सेवा भी अपने बर्थडे से स्टार्ट करवा रखी है। तो मेरे मन में कुछ प्रश्न थे जो मैं गुरुजी से बार बार पूछती थी। हुआ यूं संगत जी कि मैं आजकल रोज़ाना जब गुरुजी मुझसे शिव पुराण पढ़वाते हैं और यूट्यूब पर डलवा रहे हैं, तो ये सेवा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है और मैं रोज़ गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने अपने बर्थडे से लगातार सेवा दे रहे हैं और ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। हज़ारों संगत इतनी ब्लेसिंग भेजते हैं कि सब यही कहते हैं कि आंटी, हमने शिव पुराण स्टार्ट की पर हम नहीं पढ़ पाए, पर हम कई बार यूट्यूब पे सुनते थे, हमें समझ में नहीं आती थी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। ये सब गुरुजी कहलवा रहे हैं। गुरुजी के आगे हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अपनी जिह्वा से एक लफ्ज़, एक शब्द भी हम बोल पाएं। हम जय गुरुजी भी अगर बोल पाते हैं तो जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता, हमारी जिह्वा से जय गुरुजी भी नहीं निकल सकता। तो शिव पुराण पढ़ते वक्त मैंने 2-3 बार ऐसे ही गुरुजी को बोला कि गुरुजी, इसमें हर जगह यही लिखा है, ब्राह्मण, पंडित, पुरुष इसको पढ़ के सुनाते हैं, घर में तो स्त्रियां भी इसे पढ़ती हैं, पर ऐसे मैं यूट्यूब पर डाल रही हूँ अपनी आवाज़ में, मैं एक स्त्री हूँ, एक आंटी हूँ, तो क्या कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, पर आपकी इतनी ब्लेसिंग है, इफ़ एंड बट तो नहीं होने चाहिए। ऐसे ही मैं जनरल गुरुजी से बातें करती रहती थी। तो मेरे को संडे को स्वप्न में गुरुजी आए, एक छोटी सी कार में बैठे हैं, बहुत छोटी सी कार है, और उसमें फेस तो गुरुजी का है पर बॉडी एक आंटी की है। मैं भी साथ बैठी हूँ, मैं गुरुजी को देख रही हूँ कि ये कौन सा रूप लेकर गुरुजी आज मेरे सामने आए हैं। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, एकदम से मुझे कहते हैं कि तू ना गुस्सा ना करया कर, तो कल से बहुत गुस्सा हो रही है। तो मैं बड़ी हैरान, बड़ी सरप्राइज हो जाती हूँ कि गुरुजी कितने जानी जान हैं। क्योंकि संगत जी, एक दिन पहले मेरी किससे बहुत ज़बरदस्त आर्गुमेंट हो गई थी अपनी फैमिली में और बहुत मुझे गुस्सा आ गया था, कुछ गलत बात थी तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई और उस गुस्से से मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब रही, मुझे सारी रात माइग्रेन रहा, मैंने एल्प्रेक्स की गोली भी खाई, बहुत मेरा सर दर्द होता रहा। तो गुरुजी ने जो मुझे ये कहा कि तेरा ही इसमें नुकसान है, मैं नहीं चाहता कि तू गुस्सा कर, तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं नहीं करूँगी आगे से गुस्सा। फिर गुरुजी मुझे बोले कि जो तो शिव पुराण पढ़ के आजकल सुना रही है ना लोगों को, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने हंस के गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आप सुनते हो? तो गुरुजी बड़ी ज़ोर से हंसने लगे और बोले, ले मैं नहीं सुनूंगा तो तू पोस्ट कैसे करेगी, डालेगी कैसे, मैं तो सुनता ही हूँ तेरे सारे सत्संग। फिर मैंने कहा, आप मेरे बाकी सत्संग भी सुनते हो? तो गुरुजी फिर से हंस पड़े, बोले बता कौन सा तूने पूछना है, मैं भी बताता हूँ। तो मैंने 2-3 ऐसे ही पूछ लिए हंसते हुए और उन्होंने मुझे बताए, बोले कि लै मैं नहीं जब तक सुनूंगा तो तू किसी नू की मैं सुना सकती हैं। फिर मैंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, आप जो ये सबको सपने में आते हो, क्या सच में आते हो? फिर गुरुजी बोले, वीरा तू मेरे ते डाउट कर रही है? तो मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, देखो आप मेरे भी तो सपने में आए हो, मैं सपने में ही बोल रही हूँ कि देखो आप मेरे सपने में भी तो आए हो। और फिर हम दोनों हंस पड़े। फिर मैंने कहा कि ऐसी एक छोटी सी कार मुझे भी दे दो, अगली बार मैं आपको अपनी गाड़ी में लेकर चलूँगी संगत जी, जबकि हमारे पास गुरुजी की कृपा से 3 गाड़ियाँ हैं, पर पता नहीं मैंने क्यों ऐसा कहा। तो फिर गुरुजी ने मुझे कहा,
हंसकर कहा कि चल हुण तू मैनू छड्ड दे जिथे मैं जाना है। तो मैं बड़ी सरप्राइज बार बार हो रही थी कि कैसे गुरु जी को सब कुछ पता है, तो अंतर्यामी है। और मैंने इन्हें 2 दिन पहले कहा कि मेरे सपने में आके मुझे कोई मैसेज दे दो, और शिव पुराण का जो मैं बार बार बोलती थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु जी इस रूप में आज क्यों आए हैं। फिर गुरु जी मेरे से बातें करते रहे और गुरु जी ने मुझे एक दो संगत के नाम दिए। और मुझे गुरु जी कहते हैं कि तूने शैला को कभी गुस्सा किया था? तो मैंने कहा नहीं गुरु जी, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है। बच्ची पानीपत में रहते हैं वो बच्चे, और वहाँ एक छोटी सी बच्ची रिद्धिमा है, वो मुझे बड़ी ब्लेसिंग भेजते हैं, वो उनकी बुआ है शैला। मैं तो कभी उन्हें कुछ नहीं कहा, पर आजकल ना वो मुझे मैसेज नहीं कर रहे। तो फिर गुरु जी चुप हो गए। तो मैंने कहा अच्छा, अगर आप कह रहे हो तो मैं उन्हें सॉरी बोल दूंगी। तो फिर ना मैंने कहा नहीं, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बुलबुल एंजल, अनोखी एंजल बुलाते हैं। फिर मैंने कहा कि ये जो गाड़ी है ना, ये तो अंजू आंटी की गाड़ी है। अंजू आंटी हमारी नोएडा में रहती हैं, चेरी काउंटी में, जहाँ पे मैंने अभी हमारे जो पहले वाली गद्दी थी वो हमने गुरु जी की वहाँ पे लगाई थी। और वो आंटी भी बहुत सेवा करती हैं, बहुत सत्संग करती हैं। तो मैंने गुरु जी को ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा ये उन आंटी की गाड़ी है, उसमें आप बैठे हो और मुझे भी ऐसी गाड़ी दे दो। और वो आंटी कैसी हैं, अच्छी लगती हैं आपको? तो एकदम गुरु जी कहते हैं हाँ चंगी हैगी, ये बड़ी चंगी है। फिर उसके बाद पता नहीं किसी अर्चना आंटी का नाम लिया, मोटी सी आंटी। मैंने कहा मैं तो नहीं जानती इनको। फिर एकदम से मैंने बोला कि शिव अंकल के बारे में, मैंने कहा वो ना आपको बहुत याद करते हैं, और ना वो मुझे हमेशा, आप जो उन्हें मेरे लिए ब्लेसिंग देते हो ना, वो मुझे हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, बोलते हैं बुलबुल पुत्र तेनू गुरु जी बड़ा प्यार करते हैं। तो एकदम से ना गुरु जी ना बड़ी जोर से हंस पड़े। तो कहते हैं ओ शिव अंकल, ओनू रहन दे, ओ ते ना हर वक्त मेरा इक्को ही सत्संग सबनों सुनांदा है। मैं भी बड़ी जोर से हंस पड़ी, मुझे बहुत हंसी आई। गुरु जी हंसते रहे। फिर मैंने कहा अच्छा गुरु जी, तो आपके तो और भी सत्संग उनको याद होंगे बचपन पे, बचपन के? तो कहते हैं हाँ उसको बड़े सत्संग याद है, पर पता नहीं वो मेरा इक्को ही सत्संग सुनांदा है। फिर एकदम से कहते हैं कि तू बड़ा चंगा बोल दी है, ते मैनू तेरी शिव पुराण बड़ी अच्छी लग रही है, जो तू सुना रही है ना एंजी सुनांदी रहे। तो फिर हम बहुत हंसे दोनों। फिर मैंने कहा अच्छा मैं शिव अंकल को बोलूँगी कि आप और भी सत्संग सुनाओ गुरु जी के। तो फिर दोबारा लास्ट में कहते हैं कि चल मैंने छाड़ दे हूँ, शिव पुराण सुनाती रही, मैं बड़ा खुश हूँ और गुस्सा नहीं करना। और संगत जी मेरी आंखें खुशी से ऐसे बह रही थी कि मैं जब उठी ना, मेरी आंख खुली तो मैं एकदम उठ के बैठ गई। मैं गुरु जी के रूम में ही सोती हूँ, वहीं सो रही थी, बैठी रही, उनको निहारती रही, बहुत देर तक बैठी रही, गुरु जी से ब्लेसिंग लेती रही। और मैं बड़ी देर तक यही समझती रही कि इस सपने का क्या मतलब है। मैंने लिखा उसको फिर कि मैं भूल ना जाऊं, इतना लंबा सपना आया मुझे। फिर मैं गुरुजी से बार बार उनकी शक्ल देख के यही कहती थी कि आपने औरत का रूप आज क्यों धारण करके आए, शक्ल तो आपकी थी। फिर काफ़ी देर के बाद टेलीपैथी के द्वारा मुझे आंसर दिया गुरुजी ने। मैंने मंत्र जाप चला रखा था सुबह से ही, कि मैं उनसे पूछती थी कि शिव पुराण स्त्रियां नहीं पढ़ के डाल सकती क्या यूट्यूब पर, तो मैं कोई गलती तो नहीं कर रही? तो देखो गुरुजी ने स्त्री रूप में दर्शन देकर मुझे बता दिया कि ये गलत नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ तेरे शिव पुराण पढ़ने से। ओ मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे सुंदर, मेरे सुहाने, मेरे प्यारे राजकुमार, मेरे वीर जी, क्या कहूँ, लख लख शुक्राना, मेरा रोम रोम आपका शुक्रगुजार है। मैं ये सत्संग लिखते हुए भी बहुत भावुक हो रही हूँ, और मुझे बर्थडे मंथ में ये ब्लेसिंग का आपने अंबार लगा दिया है, और मेरे गुस्से का भी आप कितना ख्याल रखते हो कि मैं बीमार ना हो जाऊं। मैंने शैला को भी मैसेज कर दिया और सॉरी बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं आंटी, आपने कभी हमें हर्ट नहीं किया, हम ही थोड़े बिजी हो गए थे आंटी, देखो गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग दी है। और फिर मैंने शिव अंकल को बताया, वो भी बहुत हंसे, बोले बुलबुल पुत्र हुण मैं गुरु जी के होर सत्संग भी शेयर करांगा, बचपन दियां गल्लां शेयर करके तैनू मैं भेजांगा, फिर तू उन्हू यूट्यूब ते पाई। गुरु जी मैं तो धन्य हो गई। और मैं अंजू आंटी को भी बार बार फ़ोन कर रही थी, पर वो बिजी थी, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। पर आपने ये सबको ब्लेसिंग दी है, मुझे नहीं पता क्यों दी है, क्या वजह थी, क्या आपके बर्थडे मंथ में आपने ये 2-3 नाम मुझे बताए हैं? ये कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि कोई बना के बोलता है, पर ये गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी कैसे आके सपने में, जब मैंने गुरुजी से बोला आप सबको सपने में आते हो,
और मैं तो धन्य हो गई। और अभी 2 दिन पहले ही एक आंटी हैं, उनको भी मैंने गुरुजी के ब्लेसिंग दी यूएस से आने के बाद। उन्हें बहुत सारे उस दिन सत्संग सुनाए, वो बड़ी ब्लेस हुई। और मुझे सुबह सुबह उनका एक मैसेज आया कि आज गुरुजी ने सपने में आकर मुझे हक किया। तो गुरुजी इतनी खुशी होती है जब आप संगतों को इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हो, कभी ओम के, कभी गद्दी पे, कभी कैसे, कभी कैसे। गुरुजी हम लोगों को तो आपने पवित्र कर दिया, हम इतने पापी, इतने नाशुक्रे हैं, पर हमें संगत जी हमेशा गुरु महाराज जी का शुक्राना करना चाहिए। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरु जी हमें आके ऐसे दर्शन देते हैं। बस हमें उसमें भाव विभोर होके बहना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनसे अनकंडीशनल लव करना चाहिए। ये प्यार ही है जो गुरु जी से हमें हमेशा जोड़े रखेगा। गुरु जी आप मुझसे शिव पुराण की सेवा लेते रहना, और भी आगे जो जो सेवा आप मुझे कहेंगे मैं करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आपकी इस मुस्कान पे, इस हंसने पे मैं वारी जाऊँ, मैं फिदा हो जाऊँ, मैं बलिहारी जाऊँ, मेरे वीर की अरदास वीरा, मैं आपको ऐसे ही हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।